पश्चिम बंगाल में जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय के नाम के नारे लग रहे हैं। जी हां, विरोध प्रदर्शन टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी और अन्य मंत्रियों और वेतन वंचित लोगों के साथ दिल्ली में हुए दुर्व्यवहार को लेकर। विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा MGNREGA यानी महात्मा गांधी नेशनल एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत बंगाल जॉब कार्ड होल्डर्स के 100 दिनों के काम का वेतन रोके जाने को लेकर। दरअसल आवास योजना के बकाए को लेकर दिल्ली में कृषि भवन की बैठक में बंगाल के सांसदों, मंत्रियों और वंचितों पर पुलिस और केंद्रीय बलों ने क्रूर हमला किया और उन्हें घसीटते हुए निकाला। अब भाजपा सरकार से जवाब मांग रही है बंगाल की जनता। आपको बता दूं कि अभिषेक बैनर्जी द्वारा बुलाए गए राजभवन चलो रैली उनके नेतृत्व में बंगाल में निकाली गई। ये रैली मोहर कुंज से राजभवन तक गई। रैली में अभिषेक बैनर्जी के साथ अन्य MP और MLA भी मौजूद थे। चलिए जानते हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर TMC मंत्रियों का क्या कहना है। जो दिल्ली में पहले अभिषेक बैनर्जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद अभी यहाँ पर MGNREGA के तहत यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपने 100 दिन के काम का वेतन वापस चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई एक्शन लिया जाए? मैं भी तो अभिषेक बैनर्जी के साथ थे, मैं भी गिरफ्तार हुआ था, तो ये तो राजभवन BJP ऑफिस में परिवर्तन हो गए, तो उसको बताएंगे कि तुम सबको लेके चलो बंगाल को 100 दिन का जो जॉब वर्कर उसको रुपया लेके लाने के लिए। चाहे सिक्किम चले जाते हो तो दिल्ली भी चलो, फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके तो तुम दिखाओ। मैं एक सीनियर MP हूँ कोलकाता शहर का, तुम मेरा वोटर हो, मैं तुमको बताता हूँ कि आप सबको ले चले दिल्ली। আমার কাছে যতদূর খবর ছিল যে 4 তারিখ রাজ্যপালের কলকাতায় আসার কথা ছিল। আমাদের কর্মসূচি ঘোষণার পরে ঠিক আধ ঘন্টা পরে রাজ্যপালের অফিস থেকে বিভিন্ন গ্রুপে মেসেজ করা হয় যে রাজ্যপাল কলকাতায় ফিরছে না, 4 তারিখ দিল্লিতে তিনি ফিরবেন এবং তারপরে হয়তো তিনি কলকাতায় ফিরতে পারেন। এবার আমরা আশা করেছিলাম যে 4 তারিখ মহামান্য রাজ্যপাল কলকাতায় ফিরবে এবং 5 তারিখ আমাদেরকে তিনি দেখা করার সুযোগ দেবেন বা সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেবেন, আমাদের প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করবে। আমরা একটি ইমেল রাজ্যপালের অফিসে গতকালকে পাঠাই, একটি উত্তর আসে, বলছি মাথাটা নিচু করো না, 9:30 নাগাদ একটু বসে যাও, বসে যাও, যে রাজ্যপাল হঠাৎ করে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে তিনি শিলিগুড়িতে আছেন, আমাদের প্রতিনিধিদের বলেন আপনারা শিলিগুড়িতে চলে আসুন। আমি ভাবলাম হয়তো 2-3 দিন 4 দিন শিলিগুড়িতে থাকবেন, আমাদের যেতে কোনো আপত্তি নেই। মেলটা আসে ডেরেকের কাছে, আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ, তো আমি ডেরেককে বলি যে আপনি একটু চেক করুন রাজ্যপালের অফিসের সাথে, উনি যদি 2-3 দিন শিলিগুড়িতে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা যেতে পারি, অসুবিধা নেই, আমাদের কোনো অহংকার নেই, কোনো ইগো নেই, আমরা তো দিল্লিতে গিয়ে সেক্রেটারির সাথে বৈঠক করেছি, প্রতিমন্ত্রীর সাথেও বৈঠক করেছি।